प्लेस भाई साहब कुछ मत पूछे, क्या मस्त यहाँ लग रहा है, मतलब सुकून। हाँ अगर गुस्सा लगा हो ना किसी को, ज्यादा टेंशन हो किसी बात का, तो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग, एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत। सुबह के ना अभी बज रहे हैं 7:30, ऑलमोस्ट नहा वहा कर रेडी हो चुके हैं, साथ ही जा चुके हैं अपने कॉलेज, बिकॉज आज उसका पेपर था ना, और पापा अभी अभी जस्ट पहुंचा कर आए। एक बैड न्यूज है, हम लोगों की जो गाय ना उसका बछड़ा जो था आज उसकी डेथ हो गई, पता नहीं कैसे, कल तबीयत कल से उसकी खराब हुई, अचानक किसी को पता भी नहीं चल पाया, अभी पापा गाय लगाने गए हैं, देखते हैं होपफुली अगर गाय लग जाए तो, बिकॉज भी बछड़े के मेरे को तो मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा, बट हाँ पापा ने बोला है कि लग तो जाएगी, क्योंकि शांत है ना, ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करती पापा को गाय भी, तो अभी चलते हैं, पहले पापा को देखते हैं कब तक में आते हैं, मैं थोड़ा सा डिसाइड सोच रहा हूँ जाने के लिए, और हाँ इसके बाद ना मस्त पोहा बना रही मम्मा, तो पोहा नाश्ता करते हैं, इसके बाद निकलते हैं दुकान। आज हमारा प्लान ना, आज है सोमवार, श्रावण का ना लास्ट सोमवार है ये, इसके बाद अब श्रावण का मतलब रक्षाबंधन से ना ख़त्म हो जाएगा, तो आज हम लोगों का ओपी भैया ने भंडारा किया हुआ है किले में, शंकर जी के मंदिर है वहीं, तो वहाँ मस्त रिवर चलना पड़ेगा अपने को, तो वहाँ भंडारा है आज, तो वहीं अपने को जाना पड़ेगा। मम्मी अभी बना रही है मस्त पोहा, पहले पोहा रपटते हैं, चाय पीते हैं, इसके बाद यहाँ से निकलेंगे नाश्ते के लिए ना सुबह से। आज देख तो मैं ब्रेड नहीं लाया कल, बट हाँ परसों का ना अपना ब्रेड बचा हुआ है, मस्त है। और हाँ एक चीज़ की दिक्कत हो गई थी कल हम लोगों की दुकान में, कल ना गाँव में ना सुबह 7 बजे से लाइट गई है, रात में आई है 10:30 बजे के आसपास, मतलब करीबन 15 घंटे गए लाइट कंटिन्यू नहीं थी, तो कल हम लोगों को ना कोई काम नहीं हो पाया, हालांकि कल संडे भी था, दुकान भी मैं गया 12:00 बजे तक रहा, इसके बाद चलाया तो यहीं दबा कर सोया भी नहीं, बिकॉज इतनी गर्मी भी थी ना, कुछ ज़्यादा सोया भी नहीं जा रहा था, तो भाई लोग आज अपने को जाना पड़ेगा मस्त भंडारे का प्रसाद लेने, तो अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है मेरे को कौन कौन जाएगा, मैंग को भी बोले हैं, अतुल को, किसको बोले हैं, अगर अतुल मैंग ना जाएंगे तो मैंग को मैं बैठा कर दुकान में चला जाऊंगा, क्योंकि आज मंडे है ना, तो दुकान में ना थोड़ा सा भीड़ भी बनी रहती है फोटोकॉपी के लिए, वहीं पे बैंक के बगल में, उसी कारण से, तो दुकान बंद करना भी ठीक नहीं है, फिर जैसा होता है देखते हैं, इसके बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं। सुबह सुबह मम्मी से डांट मिल चुकी है, बिकॉज मैं ना आया रूम में नहा कर चला दिया एसी, और एसी की ना पाइप पीछे से ना निकल गई है, जो पानी निकलता है ना बाहर बैक साइड में, तो उसकी पाइप निकल गई है, और वो डायरेक्ट चू चू कर ना पूरा पानी कर दिया चारों तरफ। अपना नाश्ता आ चुका है, मस्त पोहा, नमकीन, थोड़ी सी एक छोटी सी मिर्ची प्यारी सी, बट हाँ गई कहाँ ये नहीं पता, शायद मैं मम्मी के रूम ही रख के चल आया, तो चलते हैं अपना पहले नाश्ता यहाँ से मस्त रपटते हैं, इसके बाद निकलते हैं दुकान, और दुकान से सीधा आएंगे 12 से 1 के बीच में मस्त, इसके बाद निकल जाएंगे हम लोग भंडारे के लिए, और हाँ शंकर जी के दर्शन के लिए, बिकॉज आज ना लास्ट मंडे है सोमवार, दोपहर के ना अभी बज रहे हैं 2:30, और अभी अभी जस्ट मैं आया हूँ दुकान से घर, बिकॉज अभी चलना है अपने को भंडारे में रीवा मंदिर, दर्शन भी करेंगे शिव जी के, आज मंडे है ना, तो आज लास्ट भी है सावन का सोमवार, पहनते हैं जूती, कपड़े वपड़े पहन लिए, मस्त चेंज कर लिए, मुँह वगैरह धुल लिए हैं, मैंग भी अभी चल रहा है अपने तैयार हो रहा है मस्त, पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, इसके बाद आप सीधा चलेंगे मंदिर में आपको दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे हमारी स्वाति मैडम अभी लगी हुई हैं, सो कर एक बार उठ चुकी हैं, दोबारा फिर से सोएगी जैसे मैं चला जाऊँगा, बिकॉज इसकी पूरी नींद में ना खोल चुका हूँ, नींद मतलब उठ चुकी है पूरी, तो मेरी स्टोव देखो कहाँ ग्रीन पहले यहाँ जल्दी से निकलते हैं, मैं कभी फोन फिर से आ चुका है, ज्यादा कहाँ रह गए आप, और ये देखिए आज चॉकलेट लेकर आई है, चलो जल्दी से इसको भी खा लेते हैं थोड़ा सा, बिकॉज मेरे को ना भूख भी थोड़ा थोड़ा लग रही, हालांकि मैं सुबह ना पोहा रपट गया था, बेचारी पोहा ना पाई होगी आज, मम्मी के कारण सब कुछ होता है, नहीं तो मैं आज मैं इतना बनाया था पोहा किसी अपने लिए बस, इसके लिए कुछ ना, बिकॉज ये ना कुछ आज फुल्की वगैरह खा कर आई होगी इस कॉलेज गई थी। फाइनली हम लोग ना किला पहुंच चुके हैं, और हाँ ओपी भैया निकल चुके हैं यहाँ से, ढेखा पहुंच गए वो, बिकॉज वो ना यहाँ ना भंडारा ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुका था, आ रहा है मैं पीछे पीछे, गाइस अभी यहाँ ना बिल्कुल पटबंद है, एक आधे घंटे लग जाएंगे, साफ सफाई चल रही है, बट हम लोग ने बाहर से मस्त दर्शन कर लिए हैं, अभी यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, चंदन लगवाया हम लोगों ने, बट हाँ थोड़ा सा गलत कर दिया, इसके ठीक लगा लगभग, मेरा तो पूरा टेढ़ा कर दिया, पता नहीं क्या दुश्मनी थी, पैसा तो मैंने ही दिया था, इसने बिल्कुल नहीं दिया, तो अभी इसके सही लगाया मेरे नहीं लगाया, अभी थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, इसके बाद निकल जाएंगे, ओपी भाई तो चले गए हैं ऑलमोस्ट 10 मिनट में वो घर भी पहुँच जाएंगे, बट हाँ कोई दिक्कत नहीं, दर्शन हो गए बस, यही थोड़ी सी ठीक बात है,
चलते हैं अभी बाहर, बिकॉज यहाँ अंदर ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो एक बिल्कुल रहा ही नहीं पड़ती। इसके बाद चलेंगे मार्केट में, बिकॉज भूख भी थोड़ा सा लग रही है, तो कुछ खाएंगे, अदरवाइज इसके बाद निकल जाएंगे घर सीधा। वैसे हम लोगों के पीछे ना पुष्पराज सिंह का पूरा राजाओं का ना पूरा किला है, पुराने ज़माने का पूरा बना हुआ, अभी का कोई डेकोरेट नहीं। हाँ थोड़ा बहुत इसमें कुछ अलग अलग करते रहते हैं, बट हाँ जो इसमें यूज़ हुआ है ना बनाने के लिए, पूरा पुराने ज़माने का, राजाओं के ज़माने का पूरा, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अंदर म्यूज़ियम भी है, बट कुछ खास नहीं है। है एक दो बार मैं गया हूँ, बट मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगा। शायद अभी चालू नहीं है, इस समय बंद किए हुए हैं, तो अभी अलाउड नहीं है जाना। आज तो ऐसे भी लास्ट मंडे सोमवार है ना श्रावण का, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। अभी शाम टाइम थोड़ा सा फ्री है, बट हाँ सुबह टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी। हम लोग यहाँ पे आए हैं, कौन सा प्लेस है ये? पचमठा धाम। किले से लौटते समय ना हम लोगों के पड़ता है, एक दो बार मैं पहले भी आ चुका हूँ भंडारे के टाइम पे ही, बट उस समय ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी। जन्मदिन हो चुका है, हाँ इसका बर्थडे भी यहाँ पे ना 3-4 बार सेलिब्रेट हो चुका है। आज हम लोग आए और हम लोगों को ना मस्त यहाँ पे छोटे से हमारे प्यारे से कृष्ण भगवान कान्हा जी हमारे के मस्त दर्शन हो गए। तो आप लोगों को इंस्टा में भी मिल जाएगा इनका एक छोटा सा वीडियो। और अभी ना यहाँ ना आगे भंडारा भी छोटा सा, तो एक भैया बोल रहे थे प्रसाद ले लीजिए, चलते हैं वहाँ पे, मस्त कढ़ी और चावल का प्रसाद है वहाँ लेते हैं। और हाँ घाट देख, और ये ना घाट अभी बना है नया, शायद वो बना है, अभी नीचे भी चलना है। हाँ अभी आप नीचे भी आप लोगों को दिखाएंगे। ये छोटी पुल है जो हम लोगों की, वो नदी पड़ती है ना वही बड़ी पुल, तो वही हम लोगों को यहाँ से मिलती है आगे चल के। और ये यहाँ नीचे जाकर ना आगे से घूम कर पूरा ये पड़ता है घाट का फ्रंट, नीचे सीढ़ियाँ बनी है काफ़ी अच्छी, एक दो छोटी छोटी अगल बगल से मंदिर है। और प्लेस भाई साहब कुछ मत पूछिए, क्या मस्त यहाँ लग रहा है, मतलब सुकून। हाँ अगर गुस्सा लगा हो ना, किसी को ज़्यादा टेंशन हो किसी बात का, तो मस्त सुकून है। यहाँ आओ अपना 1-1.5 घंटे बैठे रहो, इसके बाद चले जाओ मौज करते। फाइनली जाके ना अभी जस्ट घर पहुँचे, रात के बज रहे हैं 9, और मैं ना दुकान मतलब पहुँच गया था 6 बजे के आसपास, 6:30 के आसपास रीवा से ना। बट हाँ दुकान में आने के बाद ना पता नहीं तबीयत थोड़ी सी अजीब अजीब सी लग रही थी, मतलब लग रहा था मैं सोने को मिल जाए। दुकान में ना 1/2 घंटे में लेटा रह गया, थोड़ा सा काम भी आया उसको निपटाया, इसके बाद मस्त कुर्सी में ना लेटा रह गया। दुकान 8:30 बजे बंद करके मैं 9 बजे तक मैं ना ऑलमोस्ट घर आ चुका हूँ। अभी चलते हैं थोड़ा सा मुँह वगैरह धुलते हैं, थोड़ी सी तबीयत कुछ ठीक हो जाए, इसके बाद ना खाना ज़्यादा भूख भी नहीं है, बिकॉज खाना रीवा से ही हम लोग काफ़ी ज़्यादा खा लिए थे मैं और मैंग दोनों लोग। तो अभी चलते हैं मुँह वगैरह धुलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, इसके बाद थोड़ा बहुत खाना खाऊंगा, इसके बाद सीधा सो जाऊंगा दबा के। कुछ काम भी है, लैपटॉप भी मैं लाया हूं, तो सोच रहा हूं कि अगर मेरे को नींद लग जाएगी ना अभी तो मैं सो जाऊंगा, फिर सुबह टाइम उठ जाऊंगा, बिकॉज इस समय ना नींद भी ज़्यादा नहीं लग पाती मेरे को, पता नहीं क्या दिक्कतें हैं। तो पहले चलते हैं फ्रेश होते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। कई रात के ना अभी बज रहे हैं 12, मैंने आया ना मुँह वगैरह धुला, खाना ना खाने के बाद ना मस्त दबाकर सो गया, अभी जस्ट उठाऊँ, अभी चलते हैं। गाइस वीडियो ना अभी हमें ना एडिट भी करना पड़ेगा, बिकॉज 4 से 5 दिन से हम ब्लॉग नहीं आ पा रहा है, पता नहीं मतलब टाइम भी नहीं लग पाता था एडिट करने के लिए। एक दो दिन तो लाइट हमें परेशान कर देती थी, इसी कारण से आज हम लोग एडिट करेंगे, आज रात में भी कर लूँगा, अदरवाइज सुबह कर लूँगा, ताकि शाम तक मैं हम लोगों को वीडियो ना ऑलमोस्ट आ ही जाए। तो अभी चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद जय भारत, राधे राधे।